तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो भाई अभी थोड़ा सा मेरे पास ना एक्स्ट्रा टाइम था, मैंने सोचा क्यों ना रोहतांग पास तक घूमाएं, खाली तो बैठे ही हैं। तो भाई अभी अपन जा रहे हैं रोहतांग पास के लिए, और भाई इधर आप चेकआउट कर लो, एकदम मतलब बढ़िया हो रखा है यार यहाँ पे ना, मज़ा आ रहा है। ज़्यादा भीड़ नहीं है तो ज़्यादा लोग नहीं है तो मज़ा आ रहा है मतलब। तो लो भाई, जाते जाते मेरा मूड हो गया है चेंज, और मुझे दिख गई है कुछ हटो पटो चीज। तो अब उस हटो पटो चीज़ को देखने के लिए मैं जा रहा हूँ गाड़ी लेके नीचे, और गाड़ी लेके नीचे जाके भाई अपन को वो करना है, वो गुब्बारे से पूरा वाला हेड नीचे। तो वहाँ पे अपने को गुब्बारा दिख गया था ये देखो, बट क्या है कि अभी ना ये चालू नहीं है। 2500 रुपीज़ पर हेड है, यह मेरा बड़ा मन था वैसे करने को। तो भाई हमने भैया से पता करा, तो वो जो हॉट एयर का वो बैलून है ना, तो भाई भैया ने बताया उसका 1500 रुपये पर हेड है। बट उसके अंदर दिक्कत एक क्या लगी कि भाई वो ना सिर्फ कह रहे 5-7 मिनट के लिए आपको उसके अंदर लेकर जाएंगे ऊपर। यार ये तो मतलब कुछ बर्थ एट ही नहीं था, 1500 रुपये में मैं इसकी टंकी फुल कराऊंगा, लंदन हो आऊँगा, बहन चो बहन को नहीं जाना। तो अभी अपन चल रहे हैं वही रोहतांग पास चल रहे हैं, वही बढ़िया है, वहीं चल रहे हैं। पूरी रोड टूटी पड़ी है भाई, मैं तो डर के मारे और कोने से ही निकाल रहा हूँ। भाई फाइनली जो अपनी सेंट्रो है वो पहुंच चुकी है अटल टनल के पास, और अटल टनल यहाँ से रह गई है सिर्फ अब सिर्फ 2 किलोमीटर। और भाई बेहतरीन वाली, जिसे कहते हैं ना बेहतरीन वाली बर्फ गिरी हुई है, गाड़ियाँ ऊपर से दबा के आ रही है, बाइकर्स आ रहे हैं, बैंचो एक नंबर मज़ा आ रहा है भाई कसम से। और जियो के सिग्नल तो यहाँ पे ये देख रहे हो बहन का जी ना, पूरा जियो का लगा रखा है इन्होंने कि कुछ जियो ना जाए। तो भाई मस्त मज़ा आने वाला है, अपनी सेंट्रो ने कमाल कर दिया, वैन जो यहाँ तक ले आई। अरे देखो ऊपर टावर पे चढ़ के, वो देखो भाई सामने देख रहे हो, वो देखो बर्फ, ये देखो वैन की आँख, इसकी दुनिया भर की बर्फ पड़ी हुई है पर वैन जो इधर नहीं पड़ी हुई यार, भाई का दिल तोड़ दिया वैन जो। नवाब के चौदे हैं हम, इतना पैसा लगा के बताओ घूमने आए थे, बर्फ़ में खेलने के लिए मुक्के भर देता मैं तो आज कसम से बता रहा हूँ, और अब बताओ बर्फ़ नहीं मिली। मन तो उदास होता ही है यार, पर क्या करें, मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, वही है बस। भाई ये देखो यार यहाँ पे ना पीछे घोड़ा गिर गया होगा, एंड दे ऑल आर ईटिंग हिम। देखो भाई कुत्ते खा रहे हैं, घोड़ा मर गया होगा भाई, सो गंदा फील यार। तो लो भाई फाइनली वी आर एट अटल टनल छत्तीसगढ़, भाई साइकिल से भी आ रहे बंदे हैं। चलो भाई जिसका था इंतजार वो घड़ी आ चुकी है, और लो भाई पूरा सामने अटल टनल, और एक नंबर बातचीत आई है, देखो भाई अटल टनल। तो लो भाई फाइनली अपनी सेंट्रो अटल टनल, चेक दिस आउट। लो भाई ये रहा अटल टनल, ठीक है, और ये रही अपनी सेंट्रो। अब इससे आगे क्या है आगे, तो गाइस चेक दिस आउट, एक बारी बर्फ देखो कितनी भयंकर वाली पड़ी हुई है भाई, एकदम भयंकर वाली बर्फ। और हेयर इट इज अटल टनल, एक नंबर बातचीत भाई, एक नंबर। तो लो भाई यहाँ पर हम आए थे, हमारी गाड़ी भी हीट मार गई थी, देखो इतनी ठंड है भाई यहाँ पे, और उसके बाद भी देखो ये गाड़ी की हरकतें भाई, जो उल्टी सीधी बिल्कुल ही भाई बिल्कुल ही। बट देखो भाई यहाँ पे धीरे धीरे शाम हो गया, और पता नहीं यहाँ पे बता रहे हैं ना जानवर वानवर भी आ जाता है, तो कह रहे हैं भाई टाइम से नीचे चले जाओ। तो भाई देख लो थोड़ी देर में भी कुछ नहीं दिखने वाला है कुछ भी। तो भाई ये रहा अटल टनल, और कल जाएंगे रोहतांग एकदम खींच के।
तो फाइनली गाइस लो यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है। रात और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और भाई अब यहाँ से मिलते हैं आपसे फिर से किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।